शिक्षा और हिजाब में से चुनना पड़े तो आप क्या चुनोगे? हिजाब ही चुनूंगी। पर्दा तो हमारा जिंदगी खत्म हो गया, तो हमारा अध्यक्ष मामला आ गया तुम्हारा। सरकार भी तो अपने मंदिर बनवा रही है मस्जिद को तोड़वा के। हमारी बच्ची जब 12 साल की हो जाती है ना तो पर्दे में आ जाती है। महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हिजाब का भी बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा है। आप क्या कहती हैं, आप ही की जो ये हिजाब का मुद्दा लेकर है, क्या ये एक असामाजिक तत्वों के द्वारा सिर्फ ख्वातिनों पर उठाया जा रहा है? मतलब तो बुरखा तो बुरखा ओढ़ेंगे, बुरखा क्या छोड़ देंगे अपने। अब पर्दा हमारा, पर्दा कैसे खत्म कर दें? पर्दा पर्दा ही होता, पर्दा नहीं खत्म कर सकते अपना। हमारा पर्दा, पर्दा तो हमारा जिंदगी में खत्म हो गया, तो हमारा अध्यक्ष मामला आ गया तुम्हारा। जी हाँ। क्या नाम आप? मेरा नाम रेहाना। जैसे एक कहना है कि ये कहना है कि जो हिजाब एक रूढ़िवादी सोच है, ऐसा दूसरे पक्षों का कहना है, रूढ़िवादी सोच है, इसे शिक्षा संस्थानों में ना पहन के आने दिया जाए, आप हिजाब मत पहनिए, मतलब मेरा नहीं उनका कहना है, और आप नॉर्मल कपड़े धरे पहने। अभी हाल ही में कर्नाटक के दो लड़कियाँ हिजाब पहनी हुई थी तो उन्हें वो एग्जाम नहीं दे पाई, तो ये कितना जरूरी हो जाता है? ये तो माननीय बहुत जरूरी है। तो हमारा पर्दा है कि तो हजी है, तो हमारा अध्यक्ष मामला आ गया, तो हमारा सुन्नती फर्ज है कि तो हम बोलिए तो छोड़ नहीं सकते हम। हमारी बच्ची जब 12 साल की हो जाती है ना तो पर्दे में आ जाती है। हमारे यहाँ का रूल है पर्दे में आ जाती है 12 साल की बेटियों के हमारे। जी हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कितने साल की? 13 साल की। आपके हिजाब पहनना शुरू हो गया? क्यों, हिजाब तो हदीस में, हदीस के बाहर हम थोड़ी जा सकते, सरकार जो बोलेगा उसे ही हम थोड़ी मान सकते हैं। जो सरकार कहेंगे उसे हम थोड़ी मान सकते हैं, हदीस को भी तो लेके चलना है। सरकार भी तो अपने मंदिर बनवा रही है मस्जिद को तोड़वा के। अच्छा, आप ये कह रही है कि सरकार भी मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवा रही है? अच्छा, मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा रही है। तो मतलब अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए कि आपको शिक्षा और हिजाब में से चुनना पड़े तो आप क्या चुनोगे? हिजाब ही चुनूंगी। चुनेंगे मतलब आप शिक्षा नहीं चुनेंगे? नहीं, मतलब शिक्षा भी चुनूंगी, लेकिन जहाँ पे शिक्षा होगा वहाँ पे हिजाब का भी तो होना चाहिए। हिजाब भी तो शिक्षा के अंदर ही आता है। तो आप कह रही कि आप पहले हिजाब चुनेंगी फिर शिक्षा चुनेंगी? अच्छा, चलिए ठीक है। आप आंटी, ये जो हिजाब का पूरा मामला है महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए कोर्ट तक ये पूरा मैटर पूछा, तो इसके ऊपर आप क्या कहें, हिजाब कितना ज़रूरी है? भाई हम आप महिलाएं हमसे बात करने में थोड़ा ओपन कैमरा में कतरा रही हैं, तो थोड़ा ज़रूर ये मुश्किल भी होता है। बाकी हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे।